नेक्स्ट है चार्ज स्फेयर, सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के बाहर ई का फॉर्मूला वही होता है जो शेल का होता है, तो अंडरस्टूड है वी का फॉर्मूला भी वही होगा जो शेल का होगा, कोई चेंज नहीं। तो सॉलिड स्फेयर के बाहर वी सेम, सरफेस के ऊपर भी एग्जैक्टली शेल वाला रिजल्ट आएगा सेम, कोई फर्क नहीं। असली फर्क पड़ेगा कहाँ, इनसाइड में अंदर। तो अगर मुझे वी की वैल्यू कहाँ निकालनी है, ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के कैपिटल आर डिस्टेंस सरफेस पे हमें वी पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, हमें कहाँ निकालना है, इसके इनसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। तो यहां पे निकालना है हमने, ये जो टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लो इसके ऊपर, तो इसका रिजल्ट मेंस और नीट में चाहिए होगा, सिर्फ रिजल्ट। लेकिन जो एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं इसका प्रूफ ध्यान से देखें, एडवांस वाले क्या करके देंगे मैं आपको बताता हूं, पहले इसको देखें इसका प्रूफ है क्या। मेरे को डी पॉइंट पर क्या निकालना है, वी निकालना है, डी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, छोटा आर है। तो और इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ई का फॉर्मूला क्या होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पता है। तो अगर मैं बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लूं तो आई कैन अप्लाई ई इज माइनस डीवी बाय डीआर, ये रिजल्ट। अब ध्यान से देखो मैं कहां से कहां आ रहा हूं, मैं बी से डी पे आ रहा हूं, तो बी का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर, सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और मैं कहां पे आ रहा हूं, डी पे, तो कैपिटल आर से कहां आ रहा हूं, स्मॉल आर। कैपिटल आर पे पोटेंशियल कितना है, वी बी, स्मॉल आर पे कितना है, वी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी बी माइनस वी डी। तो 1 dV की इंटीग्रेशन, वी कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, तो ये वैल्यू आ गई। रो की वैल्यू क्या है, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू आर, वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R³। रो की जगह चार्ज बाय वॉल्यूम, 3 से 3 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। वी भी राइट साइड पे ले आओ, तो वी भी राइट साइड पे आ गया। बी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको पता है सरफेस के ऊपर क्या होता है, बी पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये रहा, पुट कर लिया। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये पूरी टर्म आ गई, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के ये टर्म आ गई। ये टर्म और ये टर्म में ये सेम है, बस इसमें कोफिशियंट 1 है, इसमें हाफ है, ये इनको ऐड कर लो तो 3/2 आ गया, दो टर्म बच गई। इसमें से कॉमन निकाल लो, जो आंसर आया वो फॉर्मूला याद करना है आपने मेंस और नीट वालों ने। एडवांस वाले क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस वाले कोई भी दो पॉइंट दे देंगे आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर और डेंसिटी का फंक्शन देंगे, जैसे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्लस 1, ताकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट ना हो और इंटीग्रेशन के दौरान डेंसिटी बाहर ना आ जाए, डेंसिटी का फंक्शन चलेगा, पूरी इंटीग्रेशन चलेगी, यहां फर्क डाल देंगे वो, राइट। तो डेंसिटी को चेंज करके इंटीग्रेशन करवाएंगे। नॉर्मली एनसीईआरटी या मेंस या नीट के लिए इसकी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में पक्का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो फॉर्मूला तो मैं लिखवा के देखूंगा ही। क्लियर है यहां तक, ठीक। और अगर सेंटर के ऊपर निकालना है सॉलिड स्फीयर के, सेंटर पे छोटा आर क्या होता है, 0, तो सेंटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर को ऊपर के रिजल्ट में 0 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा 3/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स होता है जितना सरफेस पे होता है, याद रखना। ये ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक अगर आओगे तो बड़ा सा फॉर्मूला जो था इसको प्लॉट किया जाएगा तो ऐसा ग्राफ निकल के आएगा। वो क्यों आएगा वो तो याद ही करना पड़ेगा आप सीधा, लेकिन जब बाहर आ जाओगे तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ ऐसा मुड़ जाएगा। तो ये ग्राफ की वेरिएशन प्लीज आपने याद रखनी है, ये ग्राफ देख रहे हो बस इतना ही ड्रॉ किया जाएगा आपको। सॉलिड स्फीयर में वी का ग्राफ इस तरीके से वेरिएशन फॉलो करता है, तो ये आपको ये ग्राफ याद रखना है, ठीक। बनाया नहीं है मैंने जस्ट वैसे बोल दिया कि ऐसा ग्राफ बनता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, देवदीप क्लियर है, ठीक। और इसको ना इसका रिवीजन के लिए एक्चुअली मैं भूल गया था लिखते लिखते, तो मैंने दूसरे पेज पे लिख दिया। तो कैसे, सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का फॉर्मूला ओके, सरफेस के ऊपर भी क्लियर, सरफेस के इनसाइड भी क्लियर, डन, तीन फॉर्मूले। कभी कभी क्वेश्चन रो की फॉर्म में पूछा जाता है, चार्ज को पुट कर लेना, रो रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, क्यू की जगह पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ऐसी ये भी बनेगा, पर इसमें रो को नहीं यूज करना, इसको ऐसी यूज करना है। तो ये फॉर्मूलास क्लियर है।